दोस्तों पीएफएमएस के थ्रू किसी वेंडर को पेमेंट करने के पश्चात ट्रांजैक्शन स्टेटस कैसे चेक करें कि वेंडर को पेमेंट क्रेडिट हुआ है या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आप पीएफएमएस रिपोर्ट्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको ऑपरेटर आईडी से लॉग इन हो जाना है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको रिपोर्ट्स नामक एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये देख सकते हैं इस तरह से, इस पर आपको क्लिक करना है। रिपोर्ट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शंस ओपन होने लगेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ई पेमेंट पर क्लिक करना है। ई पेमेंट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन से इस तरह से ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो आपको पहला ऑप्शन पे क्लिक करना है, EP04 ई पेमेंट डेबिट एंड क्रेडिट स्टेटस डिटेल्स। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही ये इस तरह से आ जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। EP04 ई पेमेंट डेबिट एंड क्रेडिट स्टेटस डिटेल्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च बेस्ड ऑन दो ऑप्शन है, स्कीम और एडवाइस नंबर। तो हम यहाँ पे एडवाइस नंबर का यूज करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शंस बदल गए हैं। पहला ऑप्शन है एडवाइस नंबर, एग्जाम्पल दिया गया है, देख सकते हैं कि एडवाइस नंबर का स्टार्टिंग लेटर क्या रहता है, तो ये रहता है कैपिटल सी। फिर है फाइनेंशियल ईयर, तो ये रहेगा 2022-23। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन टाइप, तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन टाइप सिलेक्ट करेंगे, एजेंसी टू वेंडर। फिर यहाँ पे आपको स्कीम टाइप करना है, इंटर फर्स्ट फ्यू कैरेक्टर्स ऑफ स्कीम नेम। तो चलिए यहाँ पे हम CT9 ये इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पे आगे देख सकते हैं दोस्तों स्कीम्स, तो यहाँ हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे, CT समग्र शिक्षा 7979 CT9। यहाँ पे स्टेट आल रहने देंगे, बस इतने ही ऑप्शन को आपको फिल करना है। यहाँ पे मेरा एडवाइस नंबर बचा हुआ है, चलिए मैं इसे भी फिल कर देता हूँ। ये हो गया एडवाइस नंबर। इसके बाद यहाँ आपको मिलेगा व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। व्यू रिपोर्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्रोसेसिंग लेने के पश्चात टेबल इस तरह से ओपन हो जाता है, देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको टेबल को जूम करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो पहला है सीरियल नंबर है, फिर है डेबिट एजेंसी नेम, यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम या फिर जो भी एजेंसी हो उसका नाम शो होगा। तो यहाँ पे है संकुल स्रोत केंद्र समग्र शिक्षा इस तरह से, और यहाँ पे संकुल का नाम दिया गया है। फिर है स्कीम नेम, तो सिटी समग्र शिक्षा 7979। स्टेट नेम, डेट ऑफ एडवाइस जनरेशन, डेबिट एडवाइस स्टेटस, डेबिट अमाउंट कितना अमाउंट ट्रांजेक्शन किया गया था, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो वेंडर्स हो रहा है। फिर है डेबिट बैंक ट्रांजेक्शन आईडी, डेबिट बैच नंबर, एडवाइस नंबर, डेबिट वाउचर नंबर, और यहाँ पे महत्वपूर्ण ऑप्शन है डेबिट ट्रांजेक्शन स्टेटस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है डेबिट सक्सेस, मतलब मैंने जो दो वेंडर को पेमेंट किया था उसे सक्सेसफुल प्राप्त हो गया है। यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं, डेबिट स्टेटस डेट, और यदि किसी कारण फेल होता है तो यहाँ पे रीजन भी रहेगा, फेलर रीजन फॉर डेबिट ट्रांजेक्शन, डेबिट अकाउंट नंबर, डेबिट बैंक नेम, बैंक रिक्वेस्ट स्टेटस, इस तरह से यहाँ पे महत्वपूर्ण ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस तरह बड़ी आसानी से आप किसी वेंडर को पेमेंट करने के पश्चात उसका रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।